हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस बाबा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप अपने IRCTC अकाउंट से जब तत्काल टिकट बुक करते हैं तो उसके लिए सबसे फास्ट जो पेमेंट मोड होता है वो IRCTC का वॉलेट होता है, तो उसमें आप कैसे पैसे रखेंगे आज मैं आपको यह बताने वाला हूँ। यदि आप IRCTC के वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो जो आप अदर जो भी पेमेंट मोड होंगे उनसे कई गुना फास्ट पेमेंट कर पाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी ID को लॉगिन कर लेना है। तो मैं लॉगिन के बटन पर क्लिक करके फटाफट से लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। अपनी ID में लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है IRCTC एक्सक्लूसिव का। तो सिंपल आप इस पे जैसे ही अपना कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं, जिसमें से आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा IRCTC वॉलेट। यदि आपने अपने वॉलेट को एक्टिवेट नहीं किया है तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे होंगे। मेरे यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे होंगे। एक तो आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेट करने का, दूसरा अबाउट ई वॉलेट। जैसे ये आ रहा है, देखिए ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, ये दोनों आएंगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पे ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पास एक और ऐसा ट्रांजेक्शन सेट ट्रांजेक्शन पासवर्ड ऐसा करके एक मैसेज आ रहा होगा, तो आप उस पर जाके अपने पासवर्ड को सेट कर लेंगे। उसमें कुछ नहीं करना है, उसके अंदर जाना है, आपको दो बार पासवर्ड को फिल करना है और आपका जो पासवर्ड है वो सेट हो जाएगा। इसके अलावा आप देख पाएंगे जब आप इसमें पैसे को ऐड करेंगे IRCTC ई वॉलेट, तो आपको सिंपल IRCTC ई वॉलेट डिपॉजिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे इसमें 11 रुपये पहले से पड़े हुए हैं, तो अभी मैं सिंपल यहाँ पे 500 रुपये और ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 500 फिर से लिख देता हूँ। पैसे भरने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे जिस भी पेमेंट मोड से पेमेंट करना है आप सिंपल उसको चूज़ करेंगे। तो मुझे UPI के थ्रू करना है, तो मैं UPI के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर इस वाले UPI के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मेक पेमेंट का, तो आप सिंपल मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन आ चुका है। अभी आप यहाँ पे फटाफट से अपना पेटीएम वॉलेट या फिर UPI के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पर UPI ID डालेंगे। यहाँ पर मैं अपनी UPI ID डाल देता हूँ और पे के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने अपनी UPI ID डाल दी है। अब सिंपल पे के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके जो भी UPI ID होगी उस पर एक मैसेज गया होगा, उस मैसेज को आप अप्रूव कर दीजिए और आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अपने मोबाइल में इस पेमेंट को अप्रूव कर रहा हूँ, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा हमने जैसे ही पेमेंट किया हमारा जो भी ट्रांजेक्शन था वो सक्सेसफुली हमारे 500 रुपये हमारे ई वॉलेट में क्रेडिट कर दिए गए हैं। अब मैं आपको फिर से ई वॉलेट खोल के दिखाता हूँ। फिर से आपको IRCTC एक्सक्लूसिव पर क्लिक करना है। IRCTC ई वॉलेट में आना है। इसके अंडर में आप देखेंगे यहाँ पे फिर से IRCTC ई वॉलेट डिपॉजिट वाला ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे जो 11 रुपये थे अब वो 511 रुपये हो चुके हैं। इस प्रकार से आप अपने वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं। तो आपके वॉलेट में जैसे ही पैसे आ गए हैं, अब मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा कि आपको कैसे इन पैसों का यूज करना है और कैसे आप इससे फास्ट पेमेंट कर पाएंगे। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।